चलो सुनो, ये अपना लास्ट लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं. दिस इज वन क्वेश्चन ऑन ओवरटाइम ओनली, बट दिस इज स्टिल ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओवरटाइम. ठीक है, अभी ये थोड़ा सा एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है. अभी इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. इसका थोड़ा बहुत जो थ्योरी है मैंने बुक के अंदर प्रिंट करके भी रखा हुआ है इन द इनिशियल पेजेस. सो लेट अस स्टार्ट ओवर हियर. ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ. कल हम लोगों ने जो ओवरटाइम वगैरह का केस किया था वो शायद यहां पर भी आने वाला है, वो थोड़ा बहुत. ओके, पढ़े. इन अ फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज 100. ओके, एंड ओवरटाइम रेट्स आर बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स 175% ऑफ बेसिक वेजेस. बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स मतलब अगर सपोज आपके जो वर्किंग आवर्स हैं 10 AM to 6 PM है, ठीक है, तो इन दिस केस 10 बजे से पहले और 6 बजे के बाद अगर काम किया विल पे यू 175% ऑफ बेसिक वेज रेट. बेसिक वेज रेट जो है 100 है तो उसका 175% तो 175 हो जाएगा. संडेज एंड हॉलीडेज अगर काम किया तो 225% ऑफ बेसिक वेज रेट. चलो ठीक है, तो 225% ऑफ 100 तो ये 225 आ जाएगा. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्क, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि पिछले साल के अंदर कितने आवर्स उन लोगों ने काम किया. नॉर्मल आवर्स 1 lakh आवर्स, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर द वर्किंग आवर्स 20,000, और उसके बाद ओवर टाइम ऑन संडेज एंड हॉलीडेज दैट्स 5,000. तो इन ऑल 125,000 घंटे काम किया. ये नया क्वेश्चन है इन द मॉड्यूल. ओके, ध्यान देना सब लोग. आगे ये वाला जो डेटा है ना, सारी कंपनी के अंदर कितने आवर्स का काम हुआ वो वाला डेटा है. आगे, द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्क्ड ऑन जॉब जेड. मैंने कल वो बोला था, जो कंपनीज ऐसी होती है ना, कस्टमर लोगों से ऑर्डर लेंगे और उसके बाद कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, कस्टमर एक ऑर्डर देगा, भाई मेरे को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए. ओके, तो देन हम लोग वैसा एक प्रोडक्ट बना के विल गिव इट टू द कस्टमर. सच कंपनीज आर कॉल्ड एज, कल किया था, सच कंपनीज आर कॉल्ड एज चुप, लंबी खामोशी. दीज आर कॉल्ड एज जॉब कॉस्टिंग कंपनीज. दीज आर कॉल्ड एज, बोलो, जॉब कॉस्टिंग कंपनी. मेरे ख्याल से कल ये वाला काम तो किया था ना तो अपन लोगों ने. ओके, आगे, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि इन आर्स के अंदर से जॉब जेड के ऊपर क्या क्या काम हुआ वो लोग वो बता रहे हैं. ऑब्वियसली बाकी काम बाकी जॉब्स के लिए वो हुआ रहेगा. नॉर्मल आर्स 1,000, ओवर टाइम एंड आफ्टर वर्किंग आर्स 100, संडेज एंड हॉलीडेज 25. तो इस जॉब के ऊपर 1125 आर्स काम हुआ. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड एंड ओवरहेड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस. अभी ये वाले जो इंस्टेंसेस हैं ये क्या हैं? व्हेन ओवरटाइम इज वर्क्ड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज, व्हेन ओवरटाइम इज वर्क्ड इररेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन, वेयर ओवरटाइम इज वर्क्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर टू एक्सपीडिएट द जॉब. चलो ठीक है सर, मेरे को तुम लोग एक नॉर्मल चीज पहले तो वो बोलो ना. हम लोग कल से ओवरटाइम के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, ओवरटाइम एक कंपनी को क्यों करना पड़ता है, मेरे को कुछ ना कुछ वो रीजन दो. इस क्वेश्चन के अंदर भी है लेकिन अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो वो रीजन दो. एक कंपनी ओवरटाइम क्यों, क्या है ओवरटाइम के अंदर कॉस्ट इज हायर नो, फिर एक कंपनी ओवरटाइम क्यों करवाती होगी. मेरे ख्याल से फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन इज दैट कंपनी के पास वर्कर्स लोगों की कमी है एंड शायद हायरिंग न्यू वर्कर्स माइट नॉट बी गुड. बोलते सर वाई नॉट गुड, एक तो यार रखना दुनिया में दिस इज वन थिंग दैट यू ऑल विल सी माइट बी इन द नेक्स्ट 10. जस्ट अ सेक, एवरीबॉडी प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स प्लीज. सुनो, वन ऑफ द रीजंस की कंपनीज वांट टू लाइक यू नो नॉट हायर न्यू वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स आर अ बिग प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड. ओके, हर एक वर्कर अपने एक एटीट्यूड के साथ आता है, दैट इज व्हाई वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन. ओके, तो अगर वर्कर लोगों की कमी है, न्यू वर्कर्स कंपनी को हायर नहीं करना है, शायद उन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह तो वो देना पड़ेगा, वो भी तो खर्चे होंगे, इससे अच्छा यही लोगों को बोलो यार कि एक्स्ट्रा आवर्स काम कर लो. ओके, दैट वुड बी वन थिंग. सेकेंड, इन दिस केस सडनली डिमांड बहुत ज्यादा आ गया वो प्रोडक्ट का. ओके, इट कुड बी ड्यू टू दैट.
और इसके अंदर भी तुमको दो केसेस बोल सकता हूं, शायद तुम लोगों ने बराबर से मार्केट रिसर्च नहीं करवाया तो तुमको नहीं पता चला कि डिमांड ज्यादा आएगा, सडनली डिमांड जो है तो वो ज्यादा आ गया, इट कुड बी दैट। या फिर इन दिस केस सडनली तुम्हारे प्रोडक्ट का जो रीच था वो बढ़ गया, पीपल स्टार्टेड टू लव योर प्रोडक्ट, तो तुम लोग ऐसी चीजें एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते थे तो सडनली द डिमांड इंक्रीज, ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल 2020 के अंदर मास्क का डिमांड हैड सडनली इंक्रीज, अभी कोई कंपनी उसको एस्टिमेट नहीं कर सकती थी, उनको नहीं मालूम था कि कोविड आने वाला है, ओके, लेकिन डिमांड हैड सडनली इंक्रीज, ओके। सो डिमांड इंक्रीज एक्चुअली कैन बी इन टू पार्ट्स, विच टू पार्ट्स, कि कंपनी ने बराबर से एस्टिमेट नहीं किया और उनको बाद में पता चला यार डिमांड ज्यादा था तो अभी क्या करें, चलो तो ओवरटाइम करवा लो। या फिर एक दूसरा रीजन कि लाइक यू नो इन रियलिटी कि हम लोग नहीं पता कर सकते थे कि डिमांड बढ़ जाएगा लेकिन डिमांड बढ़ गया, इट कुड बी दैट ऑल्सो, ओके। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना एक कस्टमर आया, उसने ना तुमको एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया, अगर ये कस्टमर नहीं आता ना तुम लोग को ओवरटाइम की जरूरत नहीं थी, ये वाला कस्टमर आ गया, ओके, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस मेरे को ये ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा ओवरटाइम करवाना पड़ा। तुमको ये चारों के, तुमको ये केसेस समझे जो मैंने बोला? तो ओवरटाइम ये रीजंस की वजह से हो सकता है, ओके। एग्जांपल अभी से हमारे बिजनेस के अंदर, ओके, तो हमारा जो स्टाफ है ओवरटाइम करता है क्योंकि समटाइम्स देयर कुड बी एक्स्ट्रा बैचेस, ओके, सो देयरफॉर आवर प्यून्स एंड ऑल दे हैव टू बी देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम, ओके। अभी कई क्लासेस के साथ वो ऐसा वो होता है कि ओवरटाइम चलता ही रहता है, इट कुड बी दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके। तो पहले मैं एक काम कर रहा हूं, ये वाला जो डेटा है ना, मेरे को सब लोग जरा बोलना, ये वाला डेटा जो मैंने अभी अभी बॉक्स बनाया और ये वाला डेटा आपस में मैच क्यों नहीं होता? यहां पे 1000 आवर्स है, यहां पे 1 लाख आवर्स है, मेरे को बोलो ऊपर वाला कौन सा डेटा है और नीचे वाला कौन सा डेटा है? ये पूरी कंपनी का डेटा है और ये सिर्फ एक जॉब का है। एग्जाम्पल लाइक अगर आपको एक अजीब एग्जाम्पल दू तो सैमसंग कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाता है, ये सैमसंग का डेटा है, लेकिन उसके अंदर से वन ऑफ देयर प्रोडक्ट इज से अ न्यू टाइप ऑफ टैबलेट दैट दोज गाइस मेड, ओके, तो ये उस टैबलेट का डेटा है, ओके। अभी वन ऑफ द रीजंस वी फॉलो कॉस्टिंग इन दिस वर्ल्ड इज दैट लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट वी ऑल प्रोड्यूस, एंड कॉस्ट शुड एक्चुअली बी कैलकुलेटेड ऑन अ करेक्ट बेसिस। तो हम लोग बस वही वाला चीज वो करने वाले हैं। सुनो, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, लेबर कॉस्ट कंप्यूट करता हूं ऑफ द कंपनी, फिर लेबर कॉस्ट कंप्यूट करता हूं ऑफ द जॉब, ओके, और उसके बाद की कहानी उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो यहां पे यू ऑल राइट डाउन, लिखो क्वेश्चन नंबर 36, कैलकुलेशन ऑफ लेबर रेट्स। बेसिक वेज रेट ₹100, फिर ओवर टाइम ओटी भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल आवर्स 175, ओटी एक मिनट, ये 175 के आगे ना डिस्क्रिप्शन लिख देना, 175% ऑफ 100। संडे एंड हॉलीडेज को अगर तुम लोगों ने काम किया तो 225% ऑफ 100। ठीक है, अच्छा मैं पहले ना लेबर कॉस्ट कंपनी का कंप्यूट कर रहा हूं, सो कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट ऑफ द कंपनी, तुम लोग को लिखना पड़ेगा, सॉरी कोई ऑप्शन नहीं है, एक सेकेंड, तुमको क्या लिखना है क्या कंप्यूट करना है बेटा, ऐसे 1 लाख आवर्स हुए, ठीक है,
ऐसे जो है यहां पर 20,000 और ऐसे जो है 5,000. मेरे को जरा बोलो, 1 lakh आवर्स यू हैव पेड एट व्हाट रेट? 100, 175, 225. ठीक है, सुनो, ये तीनों चीजें कर लेना, उसका टोटल भी मार लेना, जस्ट वेट. उसके बाद लेबर कॉस्ट फॉर जॉब जेड. ठीक है, अभी यहां पर भी एग्जैक्टली सेम थिंग ही करेंगे जो इधर हम लोगों ने किया, लेकिन ऑब्वियसली जो यहां पर आर्स लेंगे ना वो पूरी कंपनी का नहीं होगा, वो किसका वो होने वाला है? जॉब जेड का. तो ये 1000 आर्स, ये 100 आर्स था, और ये जो है बेटा ये 25 आर्स है. ठीक है, तुम लोग ये सब कुछ कंप्यूट करो, टोटल्स वगैरह निकाल के दो मेरे को. स्टार्ट करो, उसके बाद वी विल स्टार्ट अवे विद द रिक्वायर्ड पार्ट जो अभी तक तुमको नहीं मालूम कि क्या है. ये 35 lakhs है ना? Yes, sir. तो लास्ट वाला 25 है ना? हाँ बेटा. 1, 2, 3, 1, 2, 5. 1, 3. 1 minute दे रहा हूं, ये कंप्लीट करो, उसके बाद ये वाला वो टाइटल देना. ये वो ही है जो रिक्वायर्ड पार्ट है बेटा. एक सेकेंड. ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज. ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली एज अ पॉलिसी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द वर्कर्स. चलो सुनो, देखो अभी जो तुम्हारा फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस वो क्या है? ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज. पहले मैं ना तुमको एक चीज वो बोलता हूं, ध्यान से सुनना, आई थिंक दिस काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन विल मेक सेंस. देखो, पूरी कंपनी का जो लेबर कॉस्ट का खर्चा है ना, वो हम लोगों ने यहां पे कंप्यूट किया, 146,25,000 पूरी कंपनी का. 146,25,000 दिस इज लेबर कॉस्ट ऑफ द कंपनी. अभी जरा सोचो, कंपनी ने वर्कर्स लोगों को पैसा दिया, क्यों? क्योंकि वो लोग काम कर रहे थे. काम करके मतलब वो लोग गुड्स ही बना रहे थे ना, गुड्स मतलब जॉब्स. ओके, तो पूरी कंपनी के अंदर ये वाला जॉब भी तो था, जॉब जेड. तुमको क्या पता लगाना है कि यार ये 14, ये 146,25,000 जो है ना, ये वाली जो फिगर है,
इसके अंदर से इस जॉब जेड को कितना रुपीज चार्ज करो. यू ऑल अंडरस्टूड दिस? यू ऑल अंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव? ओके, अपने को जानने का है कि ना लेबर कॉस्ट इतना है, उसके अंदर से जॉब जेड को कितना चार्ज करूं. बोलते सर आपने कर तो दिया आंसर. नहीं, ये आंसर नहीं है, ठीक है. दिस इज जस्ट आई हैव कैलकुलेटेड समथिंग. देखो, तो एक ना प्रिंसिपल होता है ये सब चीजों के अंदर, और वो प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर जॉब जेड की वजह से कुछ खर्चा हो रहा है, अगर जॉब जेड की वजह से, जॉब जेड की वजह से कुछ खर्चा हो रहा है, तो आप जॉब जेड को दे दो, ठीक है. अगर उसकी वजह से स्पेशली खर्चा नहीं हो रहा, देन जॉब जेड शुड नॉट बी गेटिंग दैट कॉस्ट. अभी पार्ट ए के अंदर क्या बोला हुआ है? ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली एज अ पॉलिसी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द वर्कर्स. अभी इसका मतलब क्या है कि ना जॉब जेड की वजह से ये वाले ओवर टाइम वगैरह एक्सप्लिसिटली वो नहीं हो रहे. तुम्हारे पास ना वर्कर लोगों की कमी है. अगर जॉब जेड नहीं भी आता, आगे एक सेंटेंस कोई बोलेगा तभी ओवर टाइम होता शायद कोई और जॉब्स के लिए. ओके, लेकिन जॉब जेड की वजह से कोई ओवर टाइम वगैरह वो नहीं हो रहा है, ठीक है. तो अगर ऐसा है तो मेरे दिमाग में, मैं कंपनी का अकाउंटेंट है, मेरे दिमाग में यही आएगा कि यार कंपनी का टोटल लेबर आवर्स यहां पे टोटल जरा कर दो 125,000. तो मेरे दिमाग में, मैं कंपनी का हेड अकाउंटेंट है, मेरे दिमाग में यही आएगा कि ये जो वेज रेट्स हम लोगों ने लिखा हुआ है ना, ये फालतू रेट है यार. क्योंकि ओवर टाइम तो होता ही होता है. अगर ओवर टाइम तो होता ही होता है, कोई ओकेजनल केस नहीं है कि हो रहा है. उन लोगों ने लिखा हुआ है ओवर टाइम इज डन रेगुलरली, इट इज डन रेगुलरली. तो मेरे दिमाग में यही आएगा कि ना दिस इज माय टोटल लेबर कॉस्ट फॉर दीज मेनी नंबर ऑफ आवर्स. तो मेरे लिए सोचना ही पाप है कि वेज रेट 100 है, क्योंकि वेज रेट कभी कभी 175 भी हो ही जाता है, और वो रेगुलरली होता है. 225 भी रेगुलरली हो ही जाता है. तो अगर कोई मेरे को बोलता, तू ये बता कि तेरा सच्ची का वेज रेट कितना हुआ, तो मेरे को जरा बोलो पूरी कंपनी का इन रियलिटी वेज रेट कितने रुपीस का हुआ. यू विल बी डूइंग व्हाट अपॉन व्हाट, दैट विल बी दिस फिगर अपॉन दिस पर्टिकुलर फिगर. तुम लोग उसको वेटेड एवरेज वेज रेट भी बोल सकते हो, इंस्टीट्यूट उसको इन्फ्लेटेड वेज रेट बोलता है. ओके, so I'm computing that inflated wage rate over here. तो यहां पे आप लोग लिख के रखो inflated wage rate. ₹146,25,000 / ₹125,000 ₹117. तो अभी ना ये जो बाइफरकेशन है ना, हम लोग इस बाइफरकेशन को ही मिटा डालेंगे. हम लोग इस बाइफरकेशन को ना निकाल डालेंगे पूरा का पूरा, ठीक है. तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई पूरे साल का लेबर कॉस्ट इतना है, ये वाला फिगर पूरे साल के ना इतने आवर्स के लिए काम हुआ. अब सब लोग मेरे को जरा बोलना, 125,000 आवर्स के अंदर से इस जॉब के ऊपर, इस जॉब के ऊपर कितने आवर्स का काम हुआ बेटा? 1125. ये सारा का सारा ना यार, इट विल बी 1000 + 100 + 25. ओके, इतने आवर्स का काम इस जॉब के ऊपर हुआ. तो अकॉर्डिंगली आप लोग इस जॉब को अमाउंट चार्ज कर दो. सो देयरफॉर यहां पे लिखो अमाउंट टू बी चार्ज्ड टू जॉब जेड इज इक्वल टू 1125 आवर्स इंटू 117. 131625. अगर ओवर टाइम रेगुलरली हो रहा है, होता ही जा रहा है, ओके, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आई नेवर एवर ट्राई टू बी थिंकिंग ऑल्सो कि वेज रेट 100 है या 175 है या 225 है. अल्टीमेटली मेरे दिमाग में यही वाला चीज आएगा दैट दिस विल बी टोटल लेबर कॉस्ट एंड दिस इज द लेबर कॉस्ट दैट वी आर इनकरिंग फॉर दीज मेनी आवर्स.
तो अगर मैं इसको और इसको डिवाइड करता हूं दैट गिव्स मी अ ओवरऑल रेट. तो ओवरऑल रेट मतलब वेटेड एवरेज रेट, मतलब योर इन्फ्लेटेड रेट. तो मेरे दिमाग में ऑनेस्टली दिस बाइफर्केशन इज ऑफ नो यूज. मैं हमेशा मेरे दिमाग में क्या सोचूंगा, वर्कर लोग इतना घंटा काम करता है एंड ऑन एन एवरेज मैं जो वेज रेट पे करता हूं ना 117 का ही पे करता हूं. ओके okay. क्योंकि अगर ओवर टाइम रेगुलरली ही होता है तो दैट इटसेल्फ मींस लाइक यू नो दैट यू आर नेवर एक्चुअली सपोज टू बी पेइंग 100. You are supposed to be paying 175 also, you are supposed to be paying 225 also. So on an average, jo rate aa jayega 117 aa jayega. Bas 117 is kind of your overall rate aur is job ke upar 1125 hours ka kaam hua into 117. This will be your answer. Theek hai? Chalo, suno. तुम्हारा ये वाला जो काम है ये हो गया. ठीक है, मैंने ना यही वाली चीज शुरू में एक थियरी है मैंने वहां पर भी लिख के वो रखा हुआ है. देखो ट्रीटमेंट ऑफ ओवरटाइम. When overtime is worked regularly as a policy due to worker shortage, the overtime premium is treated as part of the employee cost only and job is charged at the inflated wage rate. अभी अभी हम लोगों ने वही वाला काम किया. We try to be saying कि मतलब सच्ची के अंदर तेरा जो लेबर कॉस्ट है ना बेटा वो इतना ही है, इतना बोले तो इतने रुपीज का है फॉर दीज मेनी नंबर ऑफ आवर्स. आप इसके हिसाब से एक अमाउंट एक रेट कंप्यूट कर लो और फिर इस जॉब को चार्ज कर दो. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट. अभी सेकेंड वाले के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बोलेगा, सुनो. वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली. सॉरी क्या लिखा है, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड, पढ़ो, इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, वो लोग क्या बोलता है कि ना हम लोग यूजुअली ओवर टाइम नहीं करता है. ओके, इन दिस केस आगोश, यस ओके, सुनो. हम लोग ना पार्ट बी के अंदर यूजुअली ओवरटाइम नहीं करता है, लेकिन अपने को ओवरटाइम करना पड़ा. क्यों? क्योंकि अपने को प्रोडक्शन बढ़ाने का था. ठीक है, इसके अंदर मैं तुमको दो केसेस दे रहा हूं जो इंस्टीट्यूट ने वो नहीं दिए हैं. ठीक है, लेकिन मैं तुमको दो केसेस दे रहा हूं. जरा सोचो प्रोडक्शन बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ती है. सोचो जरा प्रोडक्शन बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ सकती है. मैंने तुमको इनफैक्ट दो केसेस वो बताया था शुरू में. फर्स्ट, सर मैंने ना डिमांड एस्टिमेट करते वक्त कुछ गलती कर दी. मेरे को लगा था ये सिटी से डिमांड नहीं आएगा सर, लेकिन सॉलिड डिमांड आ गया, तो वो अपनी गलती है. ठीक है, तो वी एस्टिमेटेड रॉन्ग. तो अपने को लगा कि ना डिमांड इतना ही आएगा, लेकिन डिमांड ज्यादा आ गया. तो डिमांड ज्यादा आ गया, मेरे पास वर्कर्स लोग तो नहीं थे. मैंने उन लोगों को बोला भाई तुम ओवर टाइम करो और क्या. ओके, so it is our mistake. ठीक है, तो I am writing over here, this is our mistake. ठीक है, second in this case कि ना हम लोग estimate कर भी नहीं सकते थे कि ना demand इतना बढ़ जाएगा. मेरा product लोगों को बहुत अच्छा लगा and उन लोगों ने solid booking किया. okay, solid booking किया. okay, so therefore it is not my mistake. okay, लेकिन तुमको एक चीज समझ में आएगा, अगर demand बढ़ गया, मेरे को जरा बोलो What is good for you? Okay, कि आराम से वर्कर लोगों को बोलते रहो काम करने का, कि उनको ओवरटाइम देकर ज्यादा पैसे देके प्रोडक्शन तो करो. मेरे को बोलो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, तो धंधा चलाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना बेटा इन लाइफ. यू रन योर बिजनेस नो बॉस. ओके, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज नॉट आर मिस्टेक. ठीक है, इट इज नॉट आर मिस्टेक. ठीक है, ये दोनों केसेस ना इंस्टीट्यूट ने आज तक कोई भी क्वेश्चन के ना नहीं कवर अप किए जो मैं तुमको बता रहा हूं. सो एक्चुअली यू आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन बोथ दीज केसेस. ठीक है, लेकिन आई टेल यू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ऑफ देम. देखो, अगर ऐसा है ना कि हमारी गलती थी, अगर ऐसा है कि हमारी गलती थी, मतलब जॉब जेड जो है ना, हम लोग एस्टिमेट कर सकते थे कि जॉब जेड आएगा अपने पास, लेकिन हम लोगों ने एस्टिमेट नहीं किया कि जॉब जेड हमारे पास. तुमको समझो जो मैं बोला, जॉब जेड वाला जो ऑर्डर है ना, हम लोग एस्टिमेट कर सकते थे कि हमारे पास आएगा, लेकिन हम लोगों ने एस्टिमेट नहीं किया. तो दैट थिंग इज आर मिस्टेक. जरा सोचो, अगर हम लोग शुरू से ही एस्टिमेट कर लेते, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग शुरू से ही एस्टिमेट कर लेते कि जॉब जेड अपने पास आएगा, सो दैट टाइम वी विल ट्राई टू शेड्यूल द प्रोडक्शन इन दैट वे कि कोई ओवर टाइम ना हो. तुमको समझा मेरी बात? मेरे को जरा बोलो जॉब जेड को बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं? 1125. तो मैं क्या करता, मैं 1125 वाले जो आवर्स है ना,
मैं उसको रेगुलरली जो अपना वर्किंग आवर्स होता है ना उसी के अंदर खत्म कर डालता। मेरे को जरा अब बोलो, अगर आप लोग तभी खत्म कर डालते मतलब यू विल पे द वर्कर्स 1125 एट व्हाट रेट? 100, क्योंकि फिर ओवर टाइम वगैरह कभी होता ही नहीं ना, सो देयरफॉर इनटू 100। तो ये वाला जो अमाउंट है ना, ये वाला जो अमाउंट है फिर जॉब जेड को चार्ज हो जाता। को बोलते हैं सर जो बाकी अमाउंट बच गया वो, एक मिनट पहले मेरे को जरा बोलो बाकी अमाउंट कौन सा बच गया? नहीं मेरे को नंबर्स बोलो ना पहले, बाकी अमाउंट एक सेकेंड मैं बोल रहा हूं 1125 आर्स एट द रेट ऑफ 100। अगर सपोज मैं एस्टिमेट कर लेता कि जॉब जेड अपने पास आएगा तो मैं जॉब जेड को रेगुलर आर्स के अंदर खत्म वो कर ही डालता। तो रेगुलर आर्स के अंदर खत्म कर डालता मतलब 100 रुपया वर्कर लोगों को पे करता, लेकिन अभी तो मैं ज्यादा पे कर रहा हूं ना। मेरे को बोलो ज्यादा अमाउंट कौन कौन सा पे कर रहा हूं? गलत बोला, इन दिस केस ये 1125 इनटू मैंने 100 तो ऑलरेडी चार्ज वो कर लिया है। ओके तो मैं यहां पर मुझसे गलती हो गई। ओके अगर मुझसे गलती हो गई तो मैंने वर्कर लोगों को एक्स्ट्रा पे किया। अभी तो बोल दो मेरे को जरा बोलो एक्स्ट्रा जो पे किया विल बी व्हाट इनटू व्हाट प्लस व्हाट इनटू व्हाट? 100 इनटू बोलो आगे 75 आगे भी बोलो प्लस 25 इंटू 175। ये वाला जो चीज है ना ये किसकी गलती है? हमारी गलती है। अगर वो हमारी गलती है देन इट शुड बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके वट एवर इज योर मिस्टेक यू ट्राई टू बेयर दैट पर्टिकुलर थिंग। सबको समझा? ये एक मिनट, ये 225 नहीं था, एक मिनट ये 175 नहीं था, तो ये कितना था? 125 ना, एक सेकेंड ये 225 था ना। हाँ हाँ तो 100 इज नॉर्मल एंड उसके ऊपर जो है तो 125। अगर ऐसा करेंगे ना व्हाट वी ऑल से ये जो 1125 इनटू 100 है ना दिस शुड बी चार्ज टू विच पर्टिकुलर जॉब? जॉब जेड। और जो भी तुम लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया है ना वो तुम्हारी गलती है। अगर वो तुम्हारी गलती है देन यू बेयर दिस पर्टिकुलर लॉस। एनी लॉस दैट यू हैव टू बी बेयरिंग विच इज ड्यू टू योर मिस्टेक इज ऑलवेज ट्रांसफर टू, बोल दो अभी तो, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वाला चीज ना इंस्टीट्यूट ने आज तक कोई क्वेश्चन के अंदर नहीं कवर अप किया। ठीक है, कोई क्वेश्चन के अंदर वो नहीं कवर अप किया। अच्छा एक सेकेंड, मैंने अभी तक एक केस किया है कि वो हमारी गलती थी। अगर हमारी गलती थी देन वी विल बेयर इट। लेकिन दूसरा वाला जो केस है ना, ये केस वो समझना, तो इंस्टीट्यूट ये वाला केस जो है बाई डिफॉल्ट अप्लाई करता है। और वो क्या करता है कि ना तुम लोग ज्यादा डिमांड, ध्यान से सुनना, तुम लोग ज्यादा डिमांड एस्टिमेट भी नहीं कर सकते थे। तुम लोग प्रोडक्शन करते गए, एक दिन पता चला कि यार डिमांड यहां से भी आ रहा है तो यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है अप एंड सो ऑन। ओके जैसे आई विल टेल यू अ फैक्ट ऑल्सो, जब ही आईफोन 12 लॉन्च हुआ इन द ईयर 2020, ओके एप्पल ने जिंदगी में एस्टिमेट नहीं किया था कि इंडिया से इतना ज्यादा डिमांड आएगा। लेकिन इंडिया वॉज वन ऑफ देयर बेस्ट सेल्स कंट्रीज इन दैट पर्टिकुलर ईयर। ओके ये एप्पल की गलती नहीं है क्योंकि उससे पहले आईफोन्स का ज्यादा डिमांड इंडिया से नहीं आता था लेकिन 2020 के अंदर आया। ओके तो ये एप्पल की गलती नहीं है। ओके अगर ये एप्पल की गलती नहीं है सो व्हाट डू वी से इन दिस केस? ये जो जॉब जेड है ना, जॉब जेड को आप 1125 इंटू 100 ही चार्ज करो। ठीक है, और जो बाकी यहां पर अमाउंट बच गया वो यही वाला अमाउंट। ठीक है, अभी ये अपनी गलती नहीं है। अगर ये अपनी गलती नहीं है ना फिर आप उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स को ट्रांसफर कर दो। ये वाला जो अमाउंट है ना आप उसको लॉस मत गिनो, आप उसको ओवरहेड्स के अंदर वो ट्रांसफर कर दो। को बोलते हैं सर चाहे लेबर कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करो चाहे ओवरहेड्स के अंदर इंक्लूड करो, कॉस्ट शीट के अंदर क्या फर्क पड़ेगा? वो एक चैप्टर आएगा ऑफ ओवरहेड्स, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। लेकिन सुनो अभी मैं तुमको क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं, 100 इंटू 75 प्लस 25 इंटू 125, एक सेकंड, 25 इंटू 125 प्लस 7500, ये वाला जो फिगर आता है ना दिस इज 10625। जरा सोचो ना एक बार, ये वाला जो फिगर है ना आप लोग अभी इसको ओवरहेड्स मान लो। कोई बोलता है सर इसको ओवरहेड्स क्यों मानेंगे, तभी तो वर्कर काम कर रहे हैं तो आप इसको लेबर कॉस्ट ही मानो। नहीं, फर्स्ट लेक्चर सब लोग याद करना, फर्स्ट लेक्चर एवर मैंने ना डायरेक्ट लेबर डिफाइन किया था। किसी को अगर याद है तो मेरे को जरा बोलो डायरेक्ट लेबर का डेफिनेशन क्या था? इट इज द मनी पेड टू दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट।
And it is the money paid to those workers who produce your product and for the time when they produce the product. अभी हम लोग क्या बोल देते हैं कि ना यहां पर worker लोग product produce करेगा for 1 month 2 5 hours. ठीक है, 1 month 2 5 hours into 100, तो हम लोग worker लोगों को pay अपने को करने का ही है, बाकी हम लोग pay कर रहा है extra extra extra. क्यों? क्योंकि suddenly demand बढ़ गया. अभी हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये वाला जो टाइम है ना, शायद ये वाला टाइम अवॉइड हो सकता था अगर सर्कमस्टांसेस हमारे साथ होते. सर्कमस्टांसेस मतलब अगर हम लोग भगवान होता और अगर हम लोग एस्टिमेट कर सकता होता कि यार डिमांड बढ़ जाएगा, ओके, तो फिर ओवर टाइम कभी आता ही नहीं. लेकिन अभी ओवर टाइम आ गया और ये हमारी गलती नहीं है. अब जरा सोचो, अगर वो हमारी गलती नहीं है तो कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट के अंदर तो जा भी नहीं सकता. बट वी स्टिल ट्राई टू बी थिंकिंग कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट के अंदर नहीं जा सकता. फिर उसके बाद ये वाला जो एक्स्ट्रा अमाउंट तुम लोग पे कर रहे हो, क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि सर सडनली ना डिमांड बढ़ गया. अगर सडनली डिमांड बढ़ गया देन वी ट्राई टू बी सेइंग, अगर अपनी गलती नहीं है उसको किधर ना किधर तो लेके जाना पड़ेगा. इंस्टीट्यूट ऐसा बोलता है, इन सच केसेस नो, इट इज बेस्ट टू ट्रीट इट एज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 5 into 100 will become your labor cost. Apart from that, जो ये वाला अमाउंट है, ये वाला अमाउंट जो है किधर आ जाएगा, तुम्हारे फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर. अब मैंने तुमको दो ऑप्शन दिए, इंस्टीट्यूट ये वाला दो ऑप्शन वो नहीं देता, लेकिन मेरे को दोनों के अंदर से ना यही वाला आंसर लिखवाने का है. उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है, आप लोग ये वाला रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ो. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट, आगे बोलो, चार्जेबल टू जॉब जेड, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, एंड बोलो ओवरहेड्स इन ईच केस. तो वो लोग क्या बोलते हैं, या आप लोग अमाउंट को लेबर कॉस्ट मान सकते हो या फिर आप उसको क्या मान सकते हो, ओवरहेड्स. तो ये इसके केस और इस केस के अंदर से आई एम गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर केस. मैं तुमको लिखवा दूंगा ये वाले वो दोनों ऑप्शन, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर तो इंस्टीट्यूट ने कभी भी कोई क्वेश्चन वगैरह वो नहीं पूछा है. ओके, तो अभी तुम लोग वो एक काम जरा करो, यू ऑल राइट ऑन पार्ट बी, लिखो पार्ट बी, लिखो ओवर टाइम is worked irregularly, overtime is worked irregularly to meet requirements of the production. नेक्स्ट टाइम पे वो लिखना बेसिक वेजेस फॉर द जॉब इज इक्वल टू 1 1 2 5 into 100 1 1 2 5 0 0. Overtime premium before and after normal hours ये कितना था बेटा, this was 100 into 75, 7500. Sunday and holidays 25 into 125, 31 25, 10625. आगे लिखना, इन सच अ केस बेसिक वेज रेट फॉर 1 1 2 5 आवर्स
will be charged to job Z, that is 112500. And for 10,625, there are two options. अच्छा तुम लोग मेरे को एक चीज तो बताओ ना, ये 10,625 मैंने ऐसे कंप्यूट किया, इसको और इसको ऐड किया, वरना तुम लोगों ने ना पहले एक फिगर निकाली हुई है, वो फिगर को इस फिगर के अंदर से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब दिस फिगर माइनस दैट पर्टिकुलर फिगर, तो भी यही वाला आंसर आएगा। मेरे को बोलो वो वाली फिगर कितनी थी, ढूंढो ढूंढो, तुम्हारी नोटबुक्स के अंदर है वो 123125। तुमको समझ में आएगा 123125 इज नथिंग बट 1125 आवर्स का टोटल कॉस्ट। उसके से 100 वाला पार्ट हम लोगों ने उठा लिया, तो बाकी जो बच गया वो ओवर टाइम ही था ना। ओके तो आप 10,625 वैसे भी कर सकते थे जो इंस्टीट्यूट ने किया, बट आई वॉन्टेड यू ऑल टू बी नोइंग द कैलकुलेशन इन दिस वे ऑल्सो। ठीक है, अच्छा अभी इसके बाद यहां पर जरा लिखना, फर्स्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन वॉज ड्यू टू रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ डिमांड बाय कंपनी। आगे नेक्स्ट लाइन पे लिखो 10,625 विल बी चार्ज्ड टू कॉस्टिंग पीएनएल। अच्छा मेरे को सब लोग प्लीज एक बार ना ये वाला चीज का आंसर देना, सब लोग ये वाला चीज का आंसर देना। मेरे को जरा बोलो, अगर हम लोग करेक्टली एस्टिमेट करते सब कुछ, ठीक है, अगर हम लोग करेक्टली सब कुछ एस्टिमेट करते तो ओवर टाइम होता क्या? नहीं, तब हम अपना प्रोडक्शन ही ऐसे करते कि ओवर टाइम नहीं होता, क्योंकि अगर अपने को साल के शुरू में ही पता चल जाता डिमांड इतना आएगा, आई वुड बी हायरिंग मोर वर्कर्स एंड आई विल ट्राई टू स्पेस देम ओवर इन सच अ वे, आई विल ट्राई टू शेड्यूल माई प्रोडक्शन कि 10 से 6 के बीच में सारा का सारा काम हो जाए। तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई जॉब जेड को आप नॉर्मल कॉस्ट ही चार्ज करो, जितना उसको कॉस्ट वो लगना चाहिए था, और जो भी एक्स्ट्रा चीज है अगर हमारी गलती है यू ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग पीएनएल, अगर अपनी गलती नहीं है फिर भी उसको किधर ना किधर तो लेके जाना पड़ेगा। अभी ये वाला कॉस्ट और किधर तो जा नहीं सकता, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, वर्कर स्टिल वर्क इन अ फैक्ट्री विल ट्रांसफर देम टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके तो यहां पर अभी जरा लिखो सेकेंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन वॉज ड्यू टू सडन इंक्रीज इन डिमांड। लिखना 10,625 विल बी चार्ज्ड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। और आगे ना एक चीज लिखो लेकिन उसका मतलब तुम्हारे ओवरहेड्स के चैप्टर के अंदर ही आएगा। आगे लिखना विच विल गेट इंक्लूडेड इन, विच विल गेट इंक्लूडेड इन एब्जॉर्प्शन रेट, विच विल गेट इंक्लूडेड इन एब्जॉर्प्शन रेट। अच्छा यहां पर एक लास्ट लाइन जरा लिखो ICAI वेंट फॉर द सेकेंड ऑप्शन। एग्जाम के अंदर ना शो ऑफ करने के लिए नहीं जाने का, वहां पर ये दोनों ऑप्शन मत दिखाना, यू डायरेक्टली शो द सेकेंड ऑप्शन ओनली। ठीक है, यहां पे आई एम डूइंग ताकि यू ऑल हैव द कंप्लीट नॉलेज। लिखो ICAI डिड द सेकेंड ऑप्शन as in the required part
it is given to charge the labor cost either to job Z or to overheads. सुनो, दो मिनट और दो, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आर डन. देखो, जब कंपनी का कॉस्ट शीट बन रहा है ना, कंपनी का डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, फिर उसके बाद प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह, ठीक है, ये वो सब कुछ. जब जॉब का हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं, जॉब मतलब बस हम लोग ना जॉब का कॉस्ट शीट मतलब जॉब के खर्चे इकट्ठे करो, तो जॉब के लिए जितना मटेरियल लगेगा विल पुट ओवर हियर, जॉब के लिए जितना लेबर लगेगा वी विल पुट ओवर हियर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. फर्स्ट केस के अंदर, फर्स्ट केस में तुमको अभी फर्स्ट केस वो डेमोन्स्ट्रेट वो करने जा रहा हूं. फर्स्ट केस के अंदर क्या हो जाएगा, 146,25,000 वॉज पूरी कंपनी का लेबर कॉस्ट, ठीक है, उसके अंदर से तो आगे बोलो ना, तुम्हारा पार्ट वन का आंसर तो वो बोलो ना, 131625 इस जॉब को चार्ज हो जाएगा, 131625. इज दिस ओके? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक काम, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट वाला केस, ठीक है. अभी सेकंड केस के अंदर ऐसा नहीं होगा. सेकंड केस के अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात. सेकंड केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये वाली फिगर को ना, ये वाली फिगर को हम लोग लेबर कॉस्ट नहीं मानेंगे, ठीक है. हम लोग क्या बोल देंगे कि ना, अगर हम लोग डिमांड एस्टिमेट कर सकते होते तो हम लोग कुछ ऐसे करते, 125,000 आवर्स का तो हम लोग काम करवाते, लेकिन अगर हम लोग बराबर से सब कुछ एस्टिमेट कर सकते होते तो मेरे को जरा बोलो, ये 125,000 आवर्स वुड बी ओनली पेड एट व्हाट रेट, 100 विल बी ओनली पेड एट 100, ठीक है. तो ये अमाउंट जितना भी आता है ना, दिस विल बी योर लेबर कॉस्ट, और इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस जो भी होएगा ना, वो किधर चला जाएगा, बोलो सब लोग, या कॉस्टिंग पीएनएल या फैक्ट्री ओवरहेड्स, दैट डिपेंड्स अपॉन द टू केसेस, ठीक है. और सेकेंड केस के अंदर फिर क्या होने वाला है, इस जॉब के लिए कितना आवर्स लगा बेटा, 1125 इंटू 100, इतना ही जो लेबर कॉस्ट है वो चार्ज हो जाएगा इस जॉब को, इज दैट ओके? और जो बाकी है वो ओवरहेड्स के अंदर वो चला जाएगा, ठीक है. अभी थर्ड केस ना, तुम लोगों ने कभी जिंदगी में नहीं किया, बट द वे दैट आई हैव टॉट आई थिंक सो तुम लोग मेरे को थर्ड पार्ट का आंसर बता पाओगे. देखो जरा यहां पर क्या लिखा हुआ है, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर टू एक्सपीडिएट द जॉब, मतलब कंप्लीट द जॉब. कस्टमर जॉब जेड वाला जो कस्टमर था, जिसने मेरे को जॉब जेड का ऑर्डर दिया, वो मेरे पास आया, वो बोलता है जॉब जेड मेरे लिए बना. मैंने बोला भाई मेरे पास इतने वर्कर वगैरह वो नहीं है, मैं तेरा जॉब नहीं एक्सेप्ट कर सकता. बोलता सुन, तू ओवर टाइम वगैरह कर लेना, आई विल बेयर दैट पर्टिकुलर कॉस्ट, ओके. तो अब तुमको समझ में आएगा ऐसे केस के अंदर तो कैन यू कंप्लीट फर्दर. और कोई भी बोलो, और कोई भी बोलो. मेरे ख्याल से इन दिस केस ये वाला जो अमाउंट हम लोगों ने कंप्यूट किया था ना, अभी तो आगे बोलो, दिस अमाउंट ओनली विल बी डायरेक्टली चार्ज टू जॉब जॉब जेड, क्योंकि हम लोग एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, अगर जॉब जेड की वजह से कुछ खर्चा हो रहा है तो आप जॉब जेड को दो. अभी तुमको समझ में आएगा ये जो ओवर टाइम है ये किसकी वजह से हो रहा है, जॉब जेड की वजह से ही हो रहा है. तो दिस पर्टिकुलर एंटायर कॉस्ट विल बी गेटिंग चार्ज टू जॉब जेड ओनली. ये समझा तुम लोगों को? ओके, सो देयरफॉर दिस इज द कॉस्ट दैट इज स्पेशली इनकर्ड बिकॉज ऑफ जॉब जेड, सो देयरफॉर यू चार्ज इट टू जॉब जेड ओनली, नो एज सच. ओके, तो यहां पे यू ऑल राइट डाउन, दिस इज पार्ट थर्ड ओवर हियर, लिखो पार्ट थर्ड ओवर हियर,
पार्ट थर्ड ये टाइटल दो, ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर टू एक्सपीडिएट द जॉब. नेक्स्ट टाइम पे लिखना एंटायर अमाउंट ऑफ रुपीज 123,125, एंटायर अमाउंट ऑफ 123,125 विल बी चार्ज टू जॉब जेड ओनली. तो सुनो, अगर मैं थर्ड केस का कॉस्ट शीट बनाऊंगा ना, तो इस जॉब के लिए 123,125 डायरेक्टली वो आ जाएगा. दैट इज अ लेबर कॉस्ट दैट यू आर इनकरिंग बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब ऐसा. तो दैट टाइम 123,125 विल बी कम. ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना. आईसीए अगर वो कभी फोर्थ केस भी पूछ लिया जो वो कॉस्टिंग पीएनएल वाला, यू ऑल नो द आंसर. ऑल्दो बुक के अंदर, मतलब तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन वो नहीं है. देखो मैंने सेकंड और थर्ड केस भी ना यहां पर प्रिंट करके तो रखा हुआ है. वैसे वेयर ओवर टाइम इज वर्क इररेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन, बेसिक वेज रेट इज चार्ज टू द जॉब एंड ओवर टाइम प्रीमियम इज चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, ये एज अंडर वो निकाल देना. आगे वेयर ओवर टाइम इज वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, सो ओवर टाइम प्रीमियम इज ऑल्सो चार्ज टू द जॉब ओनली, एज अंडर वाला जो वर्ड है वो निकाल देना. ठीक है, चलिए. विद दैट आई हैव कंप्लीटेड योर एंटायर चैप्टर. यहां पे एक ही होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से पूरे चैप्टर के अंदर. दैट इन एनी केस इज देयर, द सॉल्यूशन इज देयर ऑन द वेबसाइट. ठीक है, इन द थर्ड केस आगोश पूछ रहा है दैट व्हाट विल बी द कॉस्ट शीट ऑफ द कंपनी. आई विल नॉट नो व्हाट विल बी द कॉस्ट शीट ऑफ द कंपनी, बट आई कैन ट्राई टू टेल यू कि ये वाला जो अमाउंट है ना, ये जॉब जेड को जाएगा जो सामने मेरे को तो वो पूछा हुआ है. ये लेबर कॉस्ट 146,250 कंपनी के पास ऑप्शन रहेगा इसके अंदर से उनको क्या लेबर कॉस्ट मानना है, क्या ओवरहेड्स मानना है. ओके, तो दैट इन मतलब दैट पर्टिकुलर केस विल डिपेंड अपॉन द कंपनी. लेकिन दैट इज वन थिंग विच इज अ डिस्प्यूटेबल थिंग एंड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एज सच, क्योंकि क्वेश्चन ने अपने को यही पूछा हुआ है कि आप ना जॉब जेड के लिए ही चीज बताओ. इसलिए आई डिड नॉट गो इन टू दैट. ऑल्दो वहां पर कंपनी के पास एक ऑप्शन रहेगा, दे कैन ट्रीट सम पार्ट एज लेबर कॉस्ट सम पार्ट एज ओवरहेड्स. ठीक है, वो कंपनी के पास एक ऑप्शन रहेगा. ठीक है, चलिए. आई सी ऑल नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर. इंश्योर अगर कुछ भी होमवर्क सेक्शन तुम्हारा वो पेंडिंग है, आप वो कंप्लीट कर लेना. ठीक है, चलिए गाइस, बाय.